समाजवादी पार्टी एसपी सरबरा अखिलेश यादव ने कहा कि हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ अवाम में जबरदस्त इश्तियाल से खायफ, योगी हुकूमत के वज़रा और बीजेपी लीडरों की जबान इंतखाबात के नजदीक आने के साथ ही अभी मजीद नाशायस्ता हो गई। और अखिलेश ने एसपी कारकुनों से गोंडवाना साइकिल यात्रा को रवाना करने के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हवास बाख्ता बीजेपी लीडरों की जबान अभी और गंदी होगी। उन्होंने कहा कि गोंडवांगा गठबंधन पार्टी के साइकिल यात्रा गांव गांव जाकर योगी हुकूमत की नाकामियों से लोगों को आगाह करेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के खास कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाने वाले बयान की जानिब इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की सियासत करके समाज में लोगों के दरमियान जात और मजहब की बुनियाद पर खाई पैदा कर रही है। अखिलेश ने मौर्या की जालीदार टोप और लुंगी वाले बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि मुझे किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना है। जहां तक पहनावे की बात है, बीजेपी ऐसी ही नाशायस्ता जबान बोलती रहती है। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आएंगे, बीजेपी लीडरों की जबान खराब से खराब तर होती जाएगी। मौर्या का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये जरूर कहा कि जिन्हें हुकूमत में बिठाने के लिए कुर्सी और स्टोल तक नहीं मिला है, जिनकी नाम की तख्ती उखाड़ कर फेंक दी गई है, वो लोग ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मौर्या वज़ीर आला का पहनावा नजदीक से देखा होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं।